बिल्कुल 100 दिन में 15 महीने में सुनिए 15 महीने में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया था। चारों तरफ हाहाकार था, सारी विकास की योजना जो पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही थी उनको बंद कर दिया था। इन 100 दिन के अंदर हमने सारी योजना गांव गरीब और किसानों के लिए भी उसने चालू किया है। किसानों को कर्ज माफी के नाम पर कमलनाथ जी ने धोखा दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया और इसलिए इस उपचुनाव में जनता इनको धक्का देगी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 6 मंत्री और 22 विधायकों ने कांग्रेस को लात मार कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कमल का फूल खिलाया है, हम उनका स्वागत करते हैं। और इन उपचुनाव में 24 की 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, स्थायी सरकार देगी, क्योंकि 7.5 करोड़ जनता का दिल विश्वास हमने जीता है और उनके लिए काम कर रहे हैं। ये 100 दिन जो है समाधान के दिन है, ये समस्या निराकरण के दिन है, ये सहयोग का दिन है। और इन 100 दिनों में जो विकास की रफ्तार तेजी से चल रही थी भाजपा शासन में 15 महीने में रुक गई थी, बल्कि विकास की पटरी से उतर गया था इंजन, उसको वापस हमने पटरी पर लाए हैं और अब तेज गति से विकास करेंगे। हम गेहूं उत्पादन में देश में नंबर 1। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद में विरोध के स्तर गूंजने लगे हैं, रमेश सिंदौला के समर्थकों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया है, ट्वीट किया है, कोई विरोध नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, विचारधारा के लिए काम करते हैं और सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी आज से सक्रिय मोड पर नजर आ रही है, आज कमलनाथ भावनावर गए हैं उपचुनाव को लेकर, सक्रिय मोड पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी भी आज से उपचुनाव के लिए सक्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे है, अंतिम सांसें कांग्रेस की चल रही है और इसलिए जब अंतिम सांसें चलती तो थोड़ी तेज चलती है और इसलिए कांग्रेस की सांसें तेज चल रही है, उपचुनाव में 24 की 24 हार के हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।